आने वाले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। इस बीच अगर उन्हें होश आ गया तो ठीक, वरना क्या बोलिए ना डॉक्टर। इस टाइम वो पूरी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, उन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। हरलीन की हालत हुई नाजुक, एकम निकी हरलीन के लिए गुरुद्वारे में अरदास। जी हाँ, कलर्स के पॉपुलर टीवी सीरियल उडारिया के अपकमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हरलीन की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। हरलीन इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है और डॉक्टर्स ने भी हरलीन के बारे में ये पूरी खबर घर वालों तक पहुंचा दी है। वह घर वाले पहुंच चुके हैं हरलीन से मिलने के लिए अस्पताल, यानी कि हरलीन के नाना नानू नेहमत और तो और जैस्मिन भी हमें हॉस्पिटल में नजर आती है। जैसे ही घर वालों को हरलीन की नाजुक हालत के बारे में पता चलता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं और जैस्मिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाती है। वहीं हम आगे ये भी देखते हैं कि एकम जो है वो गुरुद्वारे पहुंचता है और हरलीन के लिए अरदास लगाता है, उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी करता है। मतलब देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से हरलीन की तबीयत ठीक हो पाती है या फिर नहीं हो पाती, और सीरियल की कहानी में आगे क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। वहीं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।